वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत अच्छे से हूँ। आप सबकी दुआ है, अल्लाह का करम है और अपने घर में बैठी हूँ। आज बहुत टाइम के बाद मैंने अपने घर में सुबह की चाय बनाई है। ये नहीं मेरी चाय मलाई वाली ये अपने घर में मैं अपने घर में पी सकती हूँ मलाई वाली चाय। तो ये मलाई वाली चाय है, ये तो उसका पैकेट मैं रात में ही लेके आ गई थी। रात को मैं यहीं सोई थी, मैंने काफ़ी दिन हो गए अम्मी के घर पर सोते सोते। शाहरुख की तबीयत की वजह से वहीं रुकी हुई थी मैं। अल्लाह का शुक्र है उसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है और धीरे धीरे रिकवर होगा, हो जाएगा वो, थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस साथ गया ट्यूशन, तो मैंने सोचा चलो आपको अपडेट दे देती हूँ। मैं अपने घर पे रात में आ गई थी, बस सो गई थी मस्त। तो अभी नाश्ता करती हूँ फिर बात करती हूँ आपसे। सबको जुमा मुबारक। मैंने आज इतना गहरा डार्क कलर का दुपट्टा ओढ़ रखा है, यकीन मानना ये सूट ना मुझे, मैं कितने दिन से मैंने बनवा के रखा था और मैं ये सोच के नहीं पहन रही थी कि मैं कि थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाएगा ना तो ठंडे मौसम में क्या डार्क कलर पहन लो। गर्मी में पहनने में आँखों में चुभते हैं, अरे अल्लाह, लेकिन गर्मी जा ही नहीं रही है। तो उसके साथ मैंने ग्रीन सूट ओढ़ा, ग्रीन कलर का सूट पहना है और इसका दुपट्टा जो मैंने ऑरेंज लिया है क्योंकि इसके पास हल्के की ऑरेंज कलर की ना बूटी बन रही है वो ऐसे ही। तो लेकिन इतने दिन से रखवा था, है हल्का सूट है इतना, थोड़ा दुपट्टे की वजह से मैं इसको नहीं पहन रही थी। मैंने सोचा चलो आज पहन लेते हैं। आज ना एक स्पेशल दिन है, आज स्पेशल डे इसलिए क्योंकि आज मेरे यूट्यूब चैनल को ना फ्रेंड 2 साल कम्प्लीट हो गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है और मैंने अभी नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मेरे माइंड में इसी चीज़ डाली तो आज मैंने ये काम भी कर पा रही हूँ। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, बस आपके अंदर हिम्मत है तो आप काम कर सकते हो, हिम्मत नहीं है ना तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो आप नहीं कर सकते। हिम्मत के बिना कुछ काम हो ही नहीं सकता है फ्रेंड। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरे अंदर ये हिम्मत डाली कि मैं बात कर सकती हूँ कैमरे पर और यूट्यूब चैनल बना सकती हूँ। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करा है और आप लोगों का थैंक यू फ्रेंड, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया था। आज अल्लाह का शुक्र है 30,000 सब्सक्राइबर है, 30,000 प्लस सब्सक्राइबर है। तो आप सबकी वजह से मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आप हो तो मैं हूँ, तो बस आपका थैंक यू। तो 2 साल कंप्लीट हो गए और मैंने सोचा चलो आज मैं ये सूट पहन के नमाज भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन दुपट्टा तो डार्क लग रहा है मुझे, तो खैर कोई नहीं, चलो पहन लिया। और अभी तो मैं खाना खाने जा रही हूँ, चावल बॉयल करें, रोटी बहुत गर्मी में खाई नहीं जा रही है, साथ में ना मटन का सालन है और खरबूजा काट लिया है मैंने। तो फिलहाल तो पहले खाना खा के फिर आपसे बात करते हैं। आजकल ना कुछ महीनों से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो मैं सोचती हूँ ना उसका उल्टा ही हो जाता है। जैसे कि मैंने कल सोचा था कि मैंने 2 साल मेरे चैनल को हो गए, चलो मैं अच्छे से सेलिब्रेशन करूँगी, अच्छा सा ब्लॉग बना के तैयार करूँगी, लेकिन इतना जब सब कुछ कुछ ना कुछ उल्टा उतला होता चला जा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ना कि मैं फ्रेंड आपको क्या ही बताऊँ। सुबह की उठी हूँ मैं, गैस का बटन खोला तो ये बटन हाथ में आ गया, अभी इस तरह से निकला है कि इसको तो मैं लगा नहीं सकती हूँ। ठीक है, बाटला खोला तो उसकी गैस लीकेज हो रही है। सुबह से मैंने गैस वाले को फ़ोन कर रही हूँ, वो नहीं आ रहा है। अगर उससे ब्लैक का बाटला मांगो ना तो आधे घंटे में आ जाता है, लेकिन अगर कुछ काम होता ना, ऐसे गैस लीक हो रही है या चूल्हे में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो सुबह का फ़ोन करती हूँ तो शाम में आता है, तो उसकी भी कंप्लेन करने जा रही हूँ क्योंकि गैस का मामला है, उसको तुरंत आनी चाहिए लेकिन वो नहीं आता है। हम लोगों ने सुबह से कुछ भी फ्रेंड नाश्ता नहीं किया है, साथ में 2 बज गए हैं, 2 से ज़्यादा ही बज गए हैं, 7 और मैं दोनों ही भूखे बैठे हुए हैं क्योंकि चाय बनाए तो किस पे बनाए, खाना गर्म करें तो किस पे करें, ले साथ। तो मतलब इतना सब कुछ मेरे संग हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं परेशान हो गई हूँ मैं अपनी लाइफ से। तो बस अभी पहले हम कुछ खाएंगे क्योंकि खाने हम जा सकते थे, पर मैंने सोचा बाटला वाला आ जाएगा तो फिर मैं कुछ जाके खा के आ जाऊँगी, कुछ बना लूँगी खा लूँगी, आ ही नहीं रहा है वो, तो अब मैं कुछ पहले खा के आती हूँ फिर उसकी कंप्लेंट करने के लिए उसके ऑफिस जाऊँगी मैं। रेगुलेटर दे हाथ में दे, मेरे ऑफिस में आई थी फ्रेंड, मैंने कंप्लेंट भी कर दी है, जो भी मुझे दिक्कत हो रही थी पिछले 1 साल से सारी कंप्लेंट मैंने इनसे कर दी है। और मेरा रेगुलेटर ख़राब हो गया था तो मैंने इनको बोला था कि भैया रेगुलेटर चेंज कर देना, तो मेरे को बोलते हैं 350 रुपये लगते हैं रेगुलेटर के, जबकि रेगुलेटर मुझे कंपनी से 250 रुपये का मिला है। ये होती है लूटमार, ये इंसान सोचता है चलो जान पहचान का है, जान पहचान के लोग ना बजाते हैं। तो देखो चलो 100 रुपये ही बच गए, ऑफिस में आ गई कंप्लेंट भी कर दी है, अब वो बंदा आएगा काम करके जाएगा। अब भूख इतनी तेज़ लग रही है कि पेट में चूहे क्या हाथी घोड़े सब दौड़ रहा है। चलो में आके हम लोग बैठ चुके हैं फ्रेंड और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और सब कुछ ना छोले भटूरे या साथ डोसा वगैरह ही मंगाएंगे क्योंकि बकरा खा खा के बोर हो गए। चलो पहले खाते हैं फिर बात करते हैं। क्या मंगा रहा है? मेरा तो डोसा पक्का है, तू अपना देख ले। तो भाई अपना घर से अपना पानी लेके आई हूँ, पानी की बोतल लेके आई हूँ मैं, क्योंकि ना यहाँ पे ना पानी ज़्यादा महंगा पड़ता है खाने से ज़्यादा,
अपने पानी लेके आए, गिलास भी लिया आते घर से। साथ के छोले भटूरे फूले फूले, साथ तेरे चेहरे से बड़े हैं फूले छोले छोले भटूरे, साथ ये तेरे चेहरे से बड़ा है, देख इतना बड़ा लगा चेहरा, लगा चेहरा तेरा चेहरा छोटा है भटूरे के आगे। खा ले, मेरा भी डोसा आ गया 2 साल की, इसमें साथ हम सेलिब्रेशन ही मान लेते हैं इसको, छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। फिर कहीं भी जाती है सोल की बहुत याद आती है ना। टेस्टी है डोसा, पनीर डोसा पहले पेट में जगह हो तो मंगा बोले। फिर ये गैस वाले अंकल भी आ गए, इनसे मैंने अपना रेगुलेटर भी चेंज करवा लिया था और जो चूल्हे का बटन निकल गया था वो भी लगवा लिया था। इतना चौड़ा चौड़ा काजल लगा लिया आज तो मैंने, मेरी आंखें भी अजीब सी लग रही हैं। और बस ये फ्रेंड सच्ची बता रही हूँ, मैं इतना सब कुछ 2 दिन से मैं प्लान कर रही थी, दो दिन पहले प्लान कर रही थी कि 21 जून आ रहा है, मैं अपना जो 2 साल मेरे चैनल को हुआ है मैं इसको ऐसे बनाऊँगी ऐसे बनाऊँगी, सब कुछ ना धरा का धरा रह गया माइंड के अंदर, कर ही नहीं पाई मैं सच्ची बता रही हूँ ना। तब अफसोस भी हो रहा है कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं सब बहुत कुछ सोचती हूँ, मैं ऐसा करूँगी ऐसा करूँगी ऐसा करूँगी ब्लॉग ऐसे बनाऊँगी, लास्ट में टाइट है फिस हो जाती है। मतलब क्या है ना फ्रेंड, देखो मैं मुझे ना बिना सोहेल के ना कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करना अच्छा लगता है, लगता है ना नहीं यार वो नहीं है, मज़ा नहीं आएगा, अकेले मैं क्या ही करूँगी, साथ को लेके किधर जाना है कहाँ क्या करना है, इतना सब कुछ सोचती हूँ, सोचते सोचते दिन निकल जाता है। सच्ची बता रही हूँ फ्रेंड, जैसी मैं अभी मैं ब्लॉग कर रही हूँ ना, ब्लॉगिंग कर रही हूँ, जैसे मैं आपके सामने हूँ, जैसी मैं बातें कर रही हूँ, मैं 1% भी ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शरारती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाली हूँ पर्सन हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा जो आसपास का माहौल है ना वो हंसी मजाक वाला पसंद है, मैं ऐसी सीरियस वाली बातें करना ये वो मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी जो कहते नहीं जो ताकत है जो सपोर्ट है वो इतना दूर है वो, तो उनकी वजह से मैं ये सोचती रहती हूँ वो आएंगे तो मैं ये कर लूँगी, वो आएंगे तो मैं ये कर लूँगी, ये सोचती रहती हूँ, ये सोचते से क्या होता है ना मैं जो कुछ करना चाहती हूँ कर ही नहीं पाती हूँ, तो इस चीज़ का मुझे अफसोस भी होता है कि यार मैं ब्लॉगिंग करती हूँ मेरा फ़र्ज़ बनता है काम करना इस तरह से, लेकिन सच्ची बता रही हूँ फ्रेंड आप मेरी मजबूरी समझना, मैं काम करती हूँ ना लेकिन मैं अंदर से उस तरह से खुश नहीं हो पाती हूँ जिस तरह से मुझे होना चाहिए, क्योंकि देखो एक शादी के बाद एक लड़की का एक औरत का उसका शौहर ही सब कुछ, उससे अटैचमेंट होता है सबसे ज़्यादा, और मेरा अटैचमेंट है सोहेल से इतना ज़्यादा तो वो इतना दूर है, तो वो जो खुशी है ना जो प्रॉपर बाहर निकल नहीं पाती है वो अंदर ही अंदर दबी रहती है, तो मैं कुछ भी करती हूँ ना तो वो 100% नहीं कर पाती हूँ। अच्छा लेकिन मैं यही सोचती हूँ चलो मेरे सब्सक्राइबर है समझेंगे मेरी इस मजबूरी को, मैं अकेली हूँ मैं इतना सब कुछ सोचती हूँ पर नहीं कर पाती हूँ, उनके बिना सोहेल के बिना नहीं अच्छा लगता है, तो प्लीज़ फ्रेंड बस ये 2 साल की जो मेरा मेरी मेहनत है आपके सामने है, आपने प्यार दिया सपोर्ट करा, मैं आपको खुद खुद को दिल से शुक्र अदा करती हूँ, मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। चलो साथ का छोटा सा ट्रीट इसलिए दिया था क्योंकि मेरे चैनल में साथ का बहुत बड़ा योगदान है,
अगर मैं सोहेल मुझे परमिशन दे दी, सोहेल ने तू चैनल बना ले, लेकिन मुझे आता ही नहीं था कि ब्लॉगिंग पे या यूट्यूब पे आईडी कैसे बनाते हैं, एडिट कैसे करते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, मोबाइल को कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ये सब कुछ मुझे साथ ने बताया। तो इसलिए मैंने साथ को जाकर छोटी सी ट्रीट दे दी, हालांकि वो भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तब से कोशिश करी है, बहुत कुछ करना चाहती थी। सब मैंने पेंडिंग कर दिया, जब सोहेल आएंगे जब करूँगी। प्लीज़ आप फ्रेंड मेरी परेशानी को, मजबूरी को समझना कि मैं इतनी खुश नहीं हो पाती हूँ जितना मैं होना मैं रहना चाहती हूँ। मैं बस यकीन माना ऑन कैमरा मैं ना रोती रहती हूँ, सोहेल आप कब आओगे, सोहेल आप कब आओगे, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यही सारी बातें उनसे करती रहती हूँ। वो भी कहते हैं तो सायना तो मुझसे हमेशा एक ही बातें करती है, मैं तू अच्छा नहीं लग रहा, तू रुक सबर कर, थोड़ा टाइम का वक्त है, मैं आ जाऊँगा, तुम लोग के साथ में रहूँगा। अभी ऐसा लगता है ना फ्रेंड, इतने साल रह ली पता नहीं, अब लास्ट टाइम पर बस लग रहा नहीं यार अब बस हो गया, आप आ जाओ। तो वो भी कोशिश कर रहा है, ऐसा तो नहीं है रातों रात वो आ जाएंगे, वो थोड़ा सा और भी कुछ हम लोग का काम है। तो वो कहते हैं थोड़ा सबर कर, आ जाऊँगा, थोड़ा वक्त है अभी, कुछ महीने आ जाऊँगा। मैं सिर्फ यही बातें उनसे करती हूँ, ये बातें करती रहती हूँ, रोती रहती हूँ, तो और कामों में फिर मेरा इतना मन ही नहीं लगता, क्योंकि कोई भी काम करो खुशी से करो। चलो ठीक है, वो सब मेरी राम कहानी चलती रहेगी। और दूसरा फ्रेंड देखो, मैं हर ब्लॉग में लास्ट में कोई ना कोई पॉइंट की बात मैं करती हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, वो तो सबका अपना एक सोच होती है, जो मुझे सही लगती है वो कह देती हूँ। अपनी ज़िंदगी में है ना, आप ना कहना भी सीखो। आप हर रिश्तेदार, दोस्ती, पड़ोसी, जो भी मतलब आप लोग जिन लोगों के बीच में रहते हो, आप हमेशा हाँ 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 ओके हाँ करते रहोगे ना, आपकी गिनती सिर्फ उसमें जाने वाली है। आप ज़िंदगी में ना भी जहाँ हाँ की ज़रूरत है ठीक है चलो, लेकिन हमेशा हाँ कहोगे तो इसका मतलब ये नहीं, आप इसका क्या होगा, लोग दूसरे लोग ना फ़ायदा उठाते हैं, समझ में, आपकी तारीफ नहीं होगी, यार मैं तो हर बार हाँ कहता हूँ, मैं तो हर किसी के हर वक्त काम में आ जाता हूँ, इससे आप बेवकूफ़ी बनने वाले हो। ज़िंदगी में ना कहना भी सीखो, ना कहना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है सामने वाला अपना फ़ायदा किसी भी उस पर नहीं उठा पाएगा, समझ रहे हो आप। बस ये कहना चाहती हूँ मैं आपसे कि आप हमेशा हाँ हाँ बोल के आप ये मत समझना आप सामने वाले की गुड बुक में जा रहे हो, आप सामने वाला आपकी तारीफ़ करता होगा नहीं करता हो, वो आपको बेवकूफ़ी बोलता हो। कभी कभी ठीक है हाँ ठीक है ओके कर दूंगा, कभी नहीं कर सकते हो या मन नहीं है करने का तो ना बोल दो, नो ना नहीं करना है, नहीं कर सकता हूँ, मन नहीं है, जो भी है बोल दो, लेकिन बेमन भी मत काम करो किसी का, ठीक है। बस यही मैं हर ब्लॉग हाथ धुक रहा है मेरा, मार कैमरे को इधर से उधर लेके जा रही हूँ मैं, और बस जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। फ्रेंड प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना। थोड़ी सी डिप्रेस चल रही हूँ, परेशान चल रही हूँ बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ आपको, आप बोलो फिर से वही बातें कर रही है, इसलिए बोलती हूँ थोड़ा सा सब्र करो, इंशाल्लाह अच्छे ब्लॉग भी आएंगे, और मैं जैसे चाहती हूँ वैसे ही आएंगे, जैसी मैं हूँ वैसी भी मैं खुश मिजाज वो भी मैं चाहूँगी हो, लेकिन बस मेरा शोर आ जाए दुबई से, तो मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से अपने हिसाब से मैं जीना चाहती हूँ। बस थोड़ा सा चल रहा है डिप्रेशन वाला माहौल चल रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट करना, प्यार देना मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।